हेलो चिल्ड्रन इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू रिवाइज ऑल द इंग्लिश ग्रामर टॉपिक्स दैट वी हैव लर्नड डन टिल पी टी थ्री एग्ज़ैम्स यानी पी थ्री एग्जाम तक जो भी इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक्स हमने सीखे हैं लर्न किए हैं डिस्कस किए हैं उनका एक रिवीजन इसमें इंक्लूड है एज आई केम टू नो डूरिंग पी दैट आप उनमें से जो टॉपिक्स हैं जो पहले वाले टॉपिक्स हैं वो भूल गए हैं या भूल जाते हैं इजीली आपको रिकॉल करना पड़ता है और जो करंट टॉपिक्स चल रहे हैं वही आपको याद रहते हैं उन्हीं के बारे में आप जानते हैं या बता सकते हैं सो आई थाट कि एक ऐसा वीडियो हो जिसमें uh, एक रिविज़न हो ताकि आप क्विकली उसे रिवाइज कर सकें सो इन दिस वीडियो वी विल बी इंक्लूडिंग वर्बल्स एंड कॉन्सोनेट्स द सेंटेंस नाउन्स कॉमन एंड प्रॉपर नाउन्स सिंगुलर एंड प्लुरल नाउन्स मेल एंड फीमेल प्रोनाउंस एडजेक्टिव वर्ब्स एंड हेल्पिंग वर्ब्स सो ये टॉपिक्स हम इसमें रिवाइज करेंगे सो लेट इस स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक सो चिल्ड्रन आवर फर्स्ट टॉपिक इज वर्बल्स एंड कॉन्सोनेट्स सो वट आर वर्बल्स एंड कॉन्सोनेट्स डू यू रिमेंबर देर आर टोटल 26 letters in english alphabets out of which five letters are vowels and others are consonants so children these are vowels and these are consonants these five letters are vowels and these 21 letters are consonants a e i o u are vowels so there are five special letters in the english alphabet vowels ko hum special letters kehte hain so

स्पेशल लेटर्स कहे जाते हैं और ट्वेंटी वन कॉन्सोनेट्स हैं सो हम uh, हम इन्हें क्यों इम्पोर्टेंस uh, देते हैं हम uh, उन वर्ड्स के लिए जो बॉवल साउंड से स्टार्ट होते हैं ए ई आई ओ यू उनके पहले हम एन लगाते हैं एन क्यों लगाते हैं अगर वो जो वर्ड है सिंगुलर है तो ही हम एन लगाएंगे यानी एन एप्पल एन एलिफेंट एंड आयरन एंड ऑक्स या ऑस्ट्रिच एंड अम्ब्रेला सो अगर वो अम्ब्रेलाज होंगे तो हम एन अम्ब्रेलाज नहीं यूज करेंगे सिंगुलर वर्ड के लिए हम एन लगाएंगे और जो वर्ड्स इन लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं उनके लिए हम ए लगाएंगे सो लाइक अबुक अकार अडॉक अ फिश अगॉट अस अज इस तरह सेम इसी तरह से अगर ये प्लूरल में हैं तो हम ए यूज नहीं करेंगे ये सिर्फ किसके लिए होगा सिंगुलर वर्ड्स के लिए सिंगुलर नाउन के लिए अगर वो वर्ड वोवल साउंड से स्टार्ट हो रहा है तो हम एन यूज़ करेंगे अगर वो वर्ड कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है तो हम ए यूज करेंगे सो so, जो वर्ड ए ई आई ओ यू की साउंड से स्टार्ट हो रहे हैं हम उनके लिए एन यूज करेंगे और जो वर्ड कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहे हैं हम उनके लिए ए यूज करेंगे बट वो वर्ड क्या होना चाहिए सिंगुलर फॉर्म में सो दैट वॉज अबाउट फर्बल्स एंड कॉन्सोनेंट नाउ टू वर्ड्स अवर नेक्स्ट टॉपिक द नेक्स्ट टॉपिक इज द सेंटेंस वट इज अ सेंटेंस सेंटेंस को हिंदी में हम वाक्य भी बोलते हैं वाक्य मीन्स कुछ ऐसे वर्ड्स का ग्रुप जिसका कुछ सेंस निकले सो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेकलीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस ऐसे वर्ड्स का ग्रुप जो एक कम्प्लीट सेंस बनाए जिसका कुछ मीनिंग निकले उसे हम सेंटेंस कहते हैं सो चिल्ड्रन हाउ कैन वी आइडेंटिफाई अ सेंटेंस हम एक सेंटेंस को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं पहचान सकते हैं कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो हैं हमारे पास बट वो सेंटेंस की फॉर्म में है या नहीं है वो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे सो देअर आर सम रूल्स विच वी हैव टू कीप इन अवर माइंड हमें ध्यान में रखना है कि हम सेंटेंस को कैसे पहचाने सो द रूल्स आर अ सेंटेंस बिगिन विद अ कैपिटल लेटर एंड एंड विद अ फुल स्टॉप और अ क्वेश्चन मार्क यानि एक सेंटेंस हमेशा स्टार्ट होगा कैपिटल लेटर वाले वर्ड से और एंड होगा या तो फुल स्टॉप से या क्वेश्चन मार्क से अगर वो फुल स्टॉप से एंड होगा तो वो डिक्लेटिव सेंटेंस होगा और अगर उस सेंटेंस में कुछ क्वेश्चन पूछा गया है तो वो क्वेश्चन मार्क से एंड होगा सो अ सेंटेंस बिगिंस विद द कैपिटल लेटर इट मींस जो सेंटेंस uh, जो हमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स मिले हैं उनमें जो फर्स्ट वर्ड है उसका जो फर्स्ट लेटर है अगर वो कैपिटल में है ये एक तो पहली पहचान है सेकेंड इज एक सेंटेंस एंड होता है फुल स्टॉप से या क्वेश्चन मार्क से uh, ऐसे भी सेंटेंस हैं जो साइन ऑफ एक्सप्लानिशन से एंड होते हैं बट वो उनके बारे में हम नेक्स्ट क्लासेस में सीखेंगे सो अ सेंटेंस ऑलवेज हैज़ एन एक्शन वर्ड एक सेंटेंस में हमेशा कोई ना कोई एक्शन वर्ड होता है वर्ब होता है कुछ ना कुछ काम हो रहा होता है क्रिया होती है सो so, ये दो चीज़ें हैं कि इसे कैपिटल लेटर से स्टार्ट होना है और एंड होना है फुल स्टॉप से या क्वेश्चन मार्क से और सेकेंड थिंग है कि इट शुड हैव एन एक्शन वर्ड उसमें एक एक्शन वर्ड होना जरूरी है सो हेयर वी हैव सम एग्जाम्पल्स लेटस सी इनमें से सेंटेंस कौन से हैं कौन से नहीं द कैट इज बिग यह कैट बड़ी है दिस इज सेंटेंस ये सेंटेंस है कैसे आ, एक तो ये कंप्लीट बात कही गई है इसका कुछ मीनिंग निकल रहा है स्टार्ट हो रहा है कैपिटल लेटर से और बताया जा रहा है कि ये कैट बड़ी है मतलब डिक्लेरेटिव सेंटेंस है इसमें जो फुल स्टॉप से एंड होता है अब यहाँ देखिए द डॉग अब द डॉग क्या इट इज़ नोट हैविंग कंप्लीट मीनिंग इसमें अंदर कुछ भी कंप्लीट मीनिंग नहीं समझ में आ रहा है uh, कुछ सेंस नहीं बन रहा है द डॉग का सो इट इज़ नॉट कॉल्ड अ कंप्लीट सेंटेंस सो ये सेंटेंस नहीं है नेक्स्ट आई ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर मैं बहुत सारा पानी पीती हूँ सो so, यहाँ काम हो रहा एक्शन वर्ड भी है काम क्या है पानी पीना और बताया जा रहा है फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल है हाउ एवर आई तो ऐसा लेटर है जो हमेशा कैपिटल आता है और चाहे सेंटेंस के मिडल में होगा तो भी वो कैपिटल में ही होगा ये एक डेक्लेटिव सेंटेंस है जिसमें बताया गया है मैं बहुत सारा पानी पीती हूँ सो दिस इज अ सेंटेंस नेक्स्ट ड्रिंक वाटर ये सेंटेंस नहीं है हमें टू वर्ड्स तो मिले हुए हैं बट ये सेंटेंस नहीं कहा जा सकता है सो so, इसीलिए ये क्रॉस किया गया है नेक्स्ट व्हाट इज़ योर नेम आपका नाम क्या है दिस इज क्वेश्चन मार्क यहाँ क्वेश्चन मार्क है ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है किसी से कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसे हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं उसमें आप लास्ट में देख सकते हैं जो साइन है क्वेश्चन का सो so ये सेंटेंस है नेक्स्ट वॉट नेम ये सेंटेंस नहीं है इसमें कुछ सेंस नहीं बन रहा है हमें पूरी बात कन्वे नहीं हो रही है हमें जो भी पूछा गया है वो मीनिंग कन्वे होता है वो मीनिंगफुल होगा तभी वो सेंटेंस कहलाएगा सिर्फ हम फर्स्ट लेटर कैपिटल लिख देंगे फर्स्ट वर्ड का तो भी वो सेंटेंस नहीं हो पाएगा अगर नेक्स्ट जो वर्ड्स हैं उनसे हमारी बात पूरी कन्वे नहीं हो रही है सेंस नहीं बन रहा है तो वो सेंटेंस नहीं होगा चिल्ड्रन आई वॉन्ट टू डिस्कस मोर अबाउट क्वेश्चन सेंटेंस सो अ क्वेश्चन इज सेंटेंस इज ऑल्सो अ सेंटेंस दैट आज समथिंग क्वेश्चन सेंटेंस भी वो सेंटेंस होता है सेंटेंस का ही फॉर्म है पार्ट है जो किसी से कुछ पूछने के लिए कहा जाता है या लिखा जाता है यानी क्वेश्चन सेंटेंस में किसी से कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है सो इट बिगिन कैपिटल लेटर एंड एंड क्वेश्चन मार्क ये भी कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और एंड होता है क्वेश्चन मार्क से दूसरे सेंटेंस है जो डिक्लेटिव सेंटेंस है वो फुल स्टॉप से एंड होंगे स्टार्ट वो भी कैपिटल लेटर से होंगे बट क्वेश्चन सेंटेंस कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा और एंड होगा क्वेश्चन मार्क से ये इसका साइन है सो इट ऑफन बिगिंस विद क्वेश्चन वर्ड्स लाइक वॉट वेन वेयर हाउ हु विच और वाई ये यूजली यूजली क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है हमेशा नहीं होता है कई बार ऐसा होता है कि सेंटेंस जो क्वेश्चन सेंटेंस है वो हेल्पिंग वर्ड से भी स्टार्ट हो जाता है यूजअली ये क्वेश्चन वर्ड से या क्वेश्चन टैग से स्टार्ट होता है Uh, हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस का एक एग्जाम्पल दे देती हूँ इज ही इस ही वेल क्या वो ठीक है इज ही वेल और इज शी वेल सो कई बार ऐसा होता है किसी और वर्ड से भी सेंटेंस स्टार्ट होता है पर यूजली क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है सो वेयर आर यू गोइंग आप कहाँ जा रहे हैं हु इज गोइंग टू डेली डेली कौन जा रहा है वेन डू यू स्लीप आप कब सोते हो विच इज योर फेवरेट आइसक्रीम आपकी फेवरेट आइसक्रीम कौन सी है सो so, ये कुछ एग्जाम्पल थे जो मैंने बताया क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस के ऐसे ही मोस्टली क्वेश्चन सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है मोस्टली सो चिल्ड्रन द नेक्स्ट टॉपिक इज नाउंस कॉमन एंड प्रॉपर सो वट आर नाउंस? नेम प्लेस एनिमल थिंग्स आर कॉल्ड नाउंस नेम प्लेस एनिमल थिंग्स हम कहते हैं कि उन्हें नाउन कहा जाता है

जगहों के एनिमल्स और चीज़ों के नाम होते हैं सो so, नाउन uh, तो uh, होते ही हैं बट वी आर टॉकिंग अबाउट कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन ये टाइप्स हैं नाउन के नाउन uh, के और भी टाइप्स हैं बट हम अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन डिस्कस कर रहे हैं सो वट इज कॉमन नाउन द जनरल नेम ऑफ अ पर्सन प्लेस एनिमल आइडिया और अ थिंग इज अ कॉमन नाउन किसी पर्सन का प्लेस का एनिमल का आइडिया और चीज़ का जो एक नाम होता है जो जनरल नाम होता है साधारण नाम होता है उसे कॉमन नाउन बोला जाता है लाइक like, आपको एग्जाम्पल दू पर्सन का नाम क्या है मैन है वुमेन है बॉय है गर्ल है प्लेस है सिटी बोल सकते हैं हम एनिमल डॉग बोल सकते हैं कैट बोल सकते हैं कोई भी चीज़ बोल सकते हैं सपोज़ बेड है टीवी है इनका एक जनरल नाम होता है उसे हम कॉमन नाउन बोलते हैं बट जब ये नाम स्पेशल हो जाता है उसे प्रॉपर नाउन कहा जाता है सो अ स्पेशल नेम ऑफ अ पर्सन प्लेस एनिमल और अ थिंग इज कॉल्ड अ प्रॉपर नाउन किसी भी पर्सन का प्लेस एनिमल और चीज का जो स्पेशल नेम होता है उसे प्रॉपर नाउन कहा जाता है सो ईच पर्सन हैज़ अ स्पेशल नेम हर पर्सन का एक स्पेशल नेम होता है सिटीज के भी नेम है कंट्रीज़ के नेम है रिवर्स uh, के भी नेम है uh, और टेम्पल्स के भी नेम है और हम क्या कहें किसी uh, हम लोग जो पेट एनिमल्स रखते हैं घर में उनके हम नेम्स रख देते हैं सो so, उनका जो स्पेशल नेम होता है वो क्या होता है प्रॉपर नाउन कहलाता है अ प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिंस विद द कैपिटल लेटर एक uh, पहचान है हम जैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कॉमन या प्रॉपर नाउन में से कि जो प्रॉपर नाउन होगा वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा सो एज वी हैव डिस्कस्ड कि जो जनरल नेम होता है वो कॉमन नाउन होता है और स्पेशल नेम प्रॉपर नाउन होता है सो हेयर वी आर डिस्कसिंग हेयर आई हैव रिटर्न द जनरल नेम्स देज आर कॉल्ड कॉमन नाउन और यहाँ मैंने स्पेशल नेम्स लिखे हैं जिन्हें प्रॉपर नाउन कहा जाता है सो द फर्स्ट इज कंट्री कंट्री क्या है जनरल नेम है लेकिन हम कंट्री का जो स्पेशल नेम बोलेंगे लाइक इंडिया चाइना अमेरिका तो ये क्या हो जाएंगे प्रॉपर नाउन और भी कंट्रीज हैं उनके भी नेम क्या कहलाएंगे प्रॉपर नाउन सो दिस इज सिटी सिटी क्या है सिरसा ये जनरल नेम है सिटी एंड इट्स स्पेशल नेम इज सिरसा मैंने यहाँ सिरसा लिखा है कुछ और भी जो नाम होगा सिटी का वो प्रॉपर नाउन होगा स्टेट क्या है जनरल नेम एंड स्पेशल नेम क्या हो सकता है हरियाणा बॉय इज अ जनरल नेम टॉम और रोहन क्या हो सकते हैं बॉय के लिए स्पेशल नेम्स हो सकते हैं गर्ल जनरल नेम नेहा मायरा टीना ये क्या है स्पेशल नेम्स डॉग डॉग का डॉग जनरल नेम है एनिमल का और स्पेशल नेम क्या है अल्बर्ट जो मैंने लिखा है कैट जनरल नेम है किटी इज द स्पेशल नेम पेरिट जनरल एंड मिठू इज स्पेशल नेम फॉर द पेरिट फेस्टिवल क्या है जनरल नेम फेस्टिवल कुछ भी हो सकता है दिवाली क्रिसमस होली ईद रिपब्लिक डे ऐसा हम कह सकते हैं जो नेशनल फेस्टिवल भी है तो ये कुछ भी हो सकता है डे है जो डे है जनरल नेम है लेकिन डे का अगर नेम लिख देंगे देयर आर सेवन डेज उनमें से कोई एक लिख देंगे तो वो क्या हो जाएगा उसके लिए प्रॉपर नाउन सो एस आई टोल्ड यू कि जो प्रॉपर नाउन का जो वर्ड है उसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल होगा मंथ है जनरल नेम क्योंकि देर आर ट्वेल्व मंथ्स लेकिन जब हम मंथ का नेम लिख देंगे मार्च जून अप्रैल जैसा मैंने लिखा है इट इज प्रॉपर नाउन सो बुक इज अ जनरल नेम द गीता ये क्या होगा बुक का स्पेशल नेम रामायना हो सकता है बुक का नेम द बाइबल हो सकता है ये सब क्या होंगे स्पेशल नेम्स प्रॉपर नाउन सो मॉन्यूमेंट क्या है जो मॉन्यूमेंट है वो क्या है जनरल नेम है लेकिन जब जनरल नेम मॉन्यूमेंट के लिए जो स्पेशल नेम्स हो सकते हैं ताजमहल कुतुब मीनार स्टेचू ऑफ लिबर्टी स्टेचू ऑफ यूनिटी ये सब क्या है uh, जो कि प्रॉपर नाउन हॉलीडे है छुट्टी है ये जनरल है लेकिन हॉलीडे किस चीज के अकॉर्डिंग है रिपब्लिक डे गांधी जयंती रिपब्लिक डे हॉलीडे गांधी जयंती हॉलीडे सो ये क्या हो गई हॉलीडे का भी स्पेशल नेम हो गया सो so, रिवर ओशन लेक रिवर के लिए स्पेशल नेम क्या हो सकता है गंगा ओशन के लिए इंडियन ओशन एंड लेक के लिए सुखना लेक So, ये क्या है जनरल नेम और ये इनके स्पेशल नेम्स है सो so, इसीलिए जो जनरल नेम्स होते हैं वो कॉमन नाउन कहलाते हैं और जो स्पेशल नेम क्या होते हैं प्रॉपर नाउन नाउ नेक्स्ट टॉपिक। सो चिल्ड्रन द नेक्स्ट टॉपिक इज नाउन सिंगुलर एंड प्लूरल? सो इट इज रिगार्डिंग द काउंटिंग और नंबर ऑफ द नाउन जो नाउन वर्ड है उसकी काउंटिंग या नंबर के बारे में इंडिकेट करता है इज इट रेफर्स टू द नाउन विच इज वन इन नंबर और मोर देन वन इन नंबर या तो ये नाउन के बारे में बताएगा कि वो नाउन काउंटिंग में या नंबर में वन है या मोर देन वन है एक है या एक से ज्यादा है सो चिल्ड्रन अबाउट सिंगुलर नाउन्स द नाउन्स विच आर वन इन नंबर आर कॉल्ड सिंगुलर नाउन्स ऐसे नाउन वर्ड्स जो कि काउंटिंग में या नंबर में एक ही होते हैं सिंगल ही होते हैं सो दीज आर कॉल्ड सिंगुलर नाउन्स उन्हें सिंगुलर नाउन कह सकते हैं सो एग्जाम्पल आर गिवन टू अस कार डक टोमेटो बॉय ये वर्ड्स इंडिकेट कर रहे हैं कि ये सिंगल हैं यानी कार एक ही है डक भी एक ही है टोमेटो भी एक ही है और बॉय भी एक ही है सो so, ये वर्ड की स्पेलिंग से ही इंडिकेट हो जाता है uh, हमें पता चल जाता है आइडेंटिफाई हो जाता है कि ये सिंगुलर नाउन वर्ड है नेक्स्ट प्लूरल नाउंस प्लूरल नाउन्स क्या होते हैं द नाउंस विच आर मोर देन वन इन नंबर आर कॉल्ड प्लूरल नाउन्से नाउन्स जो कि नंबर में एक से ज़्यादा हों वो दो भी हो सकते हैं वो थ्री भी हो सकते हैं फोर फाइव कितने भी हो सकते हैं बट सिर्फ एक ही आइडेंटिफिकेशन है कि वो वन से ज़्यादा हो अगर वो वन से ज्यादा हैं तो वो कितने भी ज्यादा हों हम प्लूरल नाउन में इंक्लूड करेंगे लाइक ट्रीज काउ्स जर्स शीट्स सो so, सिंपली यहाँ पर एस यूज़ किया गया है ताकि आ, हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि ये प्लूरल नाउन वर्ड्स हैं बट कुछ ऐसे भी वर्ड्स हैं जिन्हें सिंपली एस लगाने से हम उनका प्लूरल फॉर्म नहीं चेंज करते मीन्स सिंगुलर नाउन टू प्लूरल नाउन में कन्वर्ट करना है किसी भी वर्ड को तो सिंपली हम एस नहीं लगाते हैं मोस्टली हम एस लगाते हैं बट हमेशा हम एस नहीं लगाते हैं उसके लिए देयर आर सर्ट एंड रूल्स सो वी विल बी रिकॉलिंग दो रूल्स ऑल्सो सो चिल्ड्रन एज आई टोल्ड यू कि कुछ नाउन वर्ड्स ऐसे हैं कि जिन्हें हम एंड uh, में सिंपली एस एड कर देंगे तो हम उनका प्ल फ फॉर्म फॉर्म कर सकते हैं लाइक कार कार्स ट्री ट्रीज बॉय बॉयज गर्ल गर्ल्स कैट कैट्स बुक बुक्स पेन पेन्स बट हमेशा ऐसा नहीं होता है सो so, हम कैसे कन्वर्ट करें एक सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में सो so, उसके लिए वी हैव टू फॉलो सर्टन रूल्स कुछ रूल्स फॉलो करने हैं सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दीज रूल्स हम इन्हें रिकॉल कर रहे हैं सो so, जो नाउन वर्ड्स एस 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 एच सी एच या एक्स से एंड हो रहे हैं सो so, उनके साथ हम ई एस एड करेंगे टू फॉर्म द प्लूरल फॉर्म यानी सिंगुलर नाउन से प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए ऐसे वर्ड्स जिनका एंड एस 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 एच सी एच या एक्स से होता है उनके साथ हम ई एस एड कर देंगे तो वो प्लूरल फॉर्म बन जाएगा लाइक like बस bus है बसेस क्लास क्लासेस आप देख रहे हैं लास्ट में एस एस है तो ई एस एड हो गया एस एच है ब्रश के साथ तो ब्रशेस हो गया जैसे ऐसा हो सकता है बुश बुशेस बेंच सी एच है एंड में तो बेंचेस uh, हो गया बॉक्स uh, है तो बॉक्सेस हो गया फॉक्स है तो फॉक्सिस हो गया सो so, uh, इनके एंड में ये कुछ सर्टन एस 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 सी एच या एस एच या एक्स था तो हमने सिंपली ई एस एड किया इनका प्लुरल फॉर्म बनाने के लिए नेक्स्ट वी हैव अनदर रूल वी एड वी ई एस टू फॉर्म द प्लूरल ऑफ अ नाउन दैट एंड्स विद एफ और एफ ई यानी जो नाउन वर्ड एड में एफ या एफ ई होता है तो उनके साथ हम वी ई एस एड कर देते हैं सो so, और एफ को हम रिमूव कर देते हैं या एफ ई को रिमूव कर देते हैं सो so, रिमूव क्या करना है लास्ट में किसी नाउन वर्ड के एफ या एफ ई हो तो हम एफ को भी रिमूव कर देंगे अगर एफ ई है तो एफ ई को भी रिमूव कर देंगे और उनकी प्लेस पर हम वी ई एस एड करेंगे सो so, हाफ हाफ्स हेयर यहाँ आप देख सकते हैं एफ था हमने एफ को रिमूव किया और हमारे पास क्या बचे लेटर्स एच ए एल और हमने वी ई एस एड किया तो हाफ्स बन गया नाइफ़ यहाँ पर एफ ई -E था तो हमने एफ ई रिमूव किया सो के एन आई वी ई एस सो इस तरह से हमने प्रूरल फॉर्म बनाया नेक्स्ट रूल इज वी एड आई ई एस टू फॉर्म द प्रूरल ऑफ अ नाउ दैट एंडस विद वाई हम आई ई एस एड कर देते हैं उस नाउन के लिए जो एंड होता है वाई से और हम वाई भी रिमूव करेंगे पपी पपीस एज यू कैन सी पी यू पी पी वाई एंड में वाई था तो हमने वाई को रिमूव किया और जो लेटर्स हमारे पास थे पी यू पी पी और उनके साथ हमने आई ई एस एड कर दिया बेबी यहाँ लास्ट में वाई था वाई रिमूव हुआ बी ए बी आई ई एस सेम इज़ विथ फ्लाई फ्लाई के एंड में वाई था एफ एल आई ई एस फ्लैश नेक्स्ट इज देर आर समर्ड्स देट डो नॉट फॉलो एनी रूल लेकिन कुछ ऐसे भी वर्ड्स हैं जो कोई रूल फॉलो नहीं करते किसी भी तरह का रूल फॉलो नहीं करते हमें उन्हें लर्न करना पड़ता है हम बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो वो लर्न हो जाते हैं हम उन्हें समझने लगते हैं और वो हमारे नॉलेज का एक पार्ट बन जाते हैं सो लाइक माउस माइस मैन मैन ये एक के लिए है तो मैन है और एक से ज़्यादा है तो मैन है टूथ टीथ वुमेन women, गूस गीस ऑक्स ऑक्सन चाइल्ड चिल्ड्रन जैसे एक बच्चा है तो चाइल्ड एक से ज़्यादा है तो वो चिल्ड्रन कहलाएंगे सो so, ये प्लूरल फॉर्म में है आ, ये कोई रूल फॉर्म फॉलो नहीं करते हैं हमें इन्हें अपनी मेमोरी का एक पार्ट बनाना पड़ेगा वो कैसे लर्न करेंगे प्रैक्टिस करेंगे तो वो हमारी नॉलेज का मेमोरी का एक पार्ट बन जाएगा नेक्स्ट सम सिंगर नाउम्स डो नॉट चेंज देअर फॉर्म वैन दे बिकम प्लूरल कुछ ऐसे भी सिंगुलर नाउम्स हैं जो सिंगुलर में भी वही सेम रहेंगे और प्लूरल uh, में भी वही सेम रहेगा यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स हैं लाइक शीप डियर फिश इन्हें हम सिंगुलर में भी शीप ही लिखेंगे और प्लूरल में भी ऐसा ही ऐसा ही डियर फिश के साथ है ऐसे और भी वर्ड्स हैं यहाँ थ्री ही मैंशन किए गए हैं सो so, वो कोई भी फॉर्म चेंज नहीं करते हैं सो दैट वॉज अबाउट सिंगुलर एंड रूरल नाउन्स नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज नाउन्स मेल एंड फीमेल सो चिल्ड्रन नाउन्स कैन हैव मेल और फीमेल फार्म्स नाउंस के मेल या फीमेल फॉर्म्स होते हैं जिसे हम पहचान सकते हैं कि यह नाउन मेल नाउन है या फीमेल नाउन सो लेटस स्टार्ट डिस्कसिंग सो चिल्ड्रन अबाउट मेल नाउन्स द नेम्स दैट रेफर टू मेल एनिमल्स और पीपल आर कॉल्ड मेल नाउन्स ऐसे नेम जो रेफर कर रहे हैं इंडिकेट कर रहे हैं मेल uh, एनीमल्स के बारे में या पीपल के बारे में लोगों के बारे में तो वो मेल नाउंस होते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल ब्रदर ब्रदर इंडिकेट कर रहा है ब्रदर वर्ड को आप रीड करेंगे तो आप uh, समझ जाएंगे कि ये मेल नाउन है सेम एज़ विद फादर ग्रैंड फादर हजबेंड इस तरह से ये जो वर्ड्स हैं ये क्या हैं मेल पीपल को इंडिकेट कर रहे हैं टाइगर बुल क्या है मेल एनिमल्स हैं सो ऐसे वर्ड्स जो मेल एनिमल्स या पीपल को इंडिकेट करें या रेफ़र करें वो मेल नाउम्स होते हैं नेक्स्ट इज अबाउट फीमेल नाउम्स सो द नेम्स दैट रेफर टू फीमेल एनिमल्स एंड पीपल आर कॉल्ड फीमेल नाउम्स सो ऐसे नेम्स जो इंडिकेट करें या रेफ़र करें फीमेल पीपल को या फीमेल एनिमल्स को वो फीमेल नाउंस होते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल सिस्टर सिस्टर के साथ आप कह सकते हैं मदर है ग्रैंड मदर है आंट है आप आ, कह सकते हैं कि मदर इन लॉ है आ, इस तरह से जो नेम्स हैं इंडिकेट कर रहे हैं वो फीमेल नाउन को टाइग्रेस काउ क्या है एनिमल्स के नेम हैं सो ऐसे नेम्स जो मेल आ, नहीं फीमेल एनिमल्स को इंडिकेट करें और लोगों को इंडिकेट करें वो फीमेल नाउ्स होते हैं सो इन अवर टॉपिक नाउन सिंगुलर एंड प्लूरल वी हैड लर्नड दैट देर आर सम रूल्स कि uh, कई बार ऐसा होता है कि कुछ रूल्स होते हैं जिससे हम कन्वर्ट कर पाते हैं एक सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में या कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कोई रूल फॉलो नहीं करते या कुछ ऐसे सर्टन वर्ड्स हैं uh, जो एज एज इट इज़ रहते हैं सिंगुलर नाउन में भी और प्लूरल नाउन में भी बट आई वॉन्ट टू टेल यू कि जो नाउन फीमेल एंड मेल के लिए कोई ऐसा रूल नहीं है कि हम उन्हें कन्वर्ट करते समय कंसीडर कर सकें यानी हम ब्रदर uh, है जो मेल नाउन है हम इसे फीमेल नाउन में कन्वर्ट करेंगे तो वो सिस्टर होगा आंसर बट उसके लिए कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है सो so हमें सिंपली वो लर्न करना पड़ेगा फादर मदर ब्रदर सिस्टर अंकल आंट ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर नीस ये सब ऐसे वर्ड्स हैं जब हम कन्वर्ट करेंगे इन्हें किसी और नाउन में या फीमेल नाउन से नाउन मेल नाउन में या मेल नाउन से फीमेल नाउन में तो उनका कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक रूल नहीं है सिंपली हमें इन्हें लर्न करना पड़ेगा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा ऐसा ही जो कि एनिमल्स वाले वर्ड्स के लिए भी होगा जब हमें इन्हें कन्वर्ट करेंगे तो कोई रूल नहीं है जैसे कि टाइगर है मेल नाउन है हम टाइग्रेस लिखेंगे तो वो फीमेल नाउन हो जाएगा फॉक्स है विक्सन है बैचलर है स्पिस्टर है इस तरह के वर्ड्स हैं जो ये कोई रूल फॉलो नहीं करते हमें इन्हें सिंपली लर्न करना पड़ेगा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा तब तक कि ये हमारे नॉलेज का पार्ट ना बन जाए सो टू वर्ड्स नेक्स्ट टॉपिक सो चिल्ड्रन द नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज प्रोनाउंस वट आर प्रोनाउंस लेट डिस्कस सो चिल्ड्रन वट आर प्रोनाउंस प्रोनाउंस क्या होते हैं प्रोनाउंस आर द वर्ड्स दैट रिप्लेस नाउंस प्रोनाउंस वो वर्ड्स हैं जो नाउंस को रिप्लेस करते हैं या बदल देते हैं रिप्लेस करना मतलब किसी की जगह ले लेना और दे टेक द प्लेस ऑफ द नाउन या वो नाउन की जगह ले लेते हैं सो so, नाउन uh, की जगह पर आने वाले वर्ड को हम प्रोनाउन कहते हैं सो so, नाउन को हटा दिया जाता है और नाउन की प्लेस पर नाउन के अकॉर्डिंग हम एक वर्ड लिखते हैं जिसे प्रोनाउन कहते हैं सो वी हैव सम एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोनाउंस हेयर Uh, जो कि है आई मी ही शी वी इट दे दैट योर योर्स हिज हर एटसेट्रा ये कुछ एग्जाम्पल है देर आर मेनी मोर एग्जाम्पल्स कुछ और भी प्रोनाउंस हैं वो हम डिस्कस करेंगे बट बिफोर दैट आई वॉन्ट टू डिस्कस दैट वाई डू वी यूज प्रोनाउंस हम नाउन ही क्यों नहीं लिख देते प्रोनाउन क्यों यूज़ करते हैं क्या जरूरत है कि हमें नाउन को रिप्लेस करना पड़ता है हम सीधा नाउन की जगह नाउन को ही लिखें क्यों उसे रिप्लेस करें ऐसा भी तो माइंड में आता है कि क्यों हमें ऐसा करना पड़ेगा uh, हम प्रोनाउंस इसलिए यूज़ करते हैं नाउन की प्लेस पर टू अवॉइड रिपीटिशन बार बार एक नाउन वर्ड को बोलने से बचने के लिए uh, हम प्रोनाउन वर्ड यूज़ कर देते हैं एंड टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस सेंटेंस के स्ट्रक्चर को समझने के लिए suppose I am दो giving you an example आह uh, Rohan is a आह uh, boy Rohan goes to school daily Rohan आह uh, आह uh, gets up early in the morning Rohan आह uh, takes bath daily Rohan आह uh, go to the temple daily or Rohan आह uh, studies well हम बार बार Rohan Rohan आह word use कर रहे हैं हालांकि हम Rohan की ही बात कर रहे हैं but हम first sentence में लिख देते हैं रोहन इज अ बॉय रोहन एक लड़का है नेक्स्ट हम रोहन uh, की जगह uh, हम एक ऐसा वर्ड लेते हैं जिसे हम बार बार रोहन uh, लिखने से बच जाएं सो रोहन इज़ अ बॉय ही गोज़ टू स्कूल डेली ही गोज़ टू द टेम्पल डेली ही गेट्स अपरली इन द मॉर्निंग ऐसा वर्ड हमने चूज़ किया जो रोहन की uh, जिसने प्लेस ले ली वो वर्ड है वो प्रोनाउंड वर्ड है ही सो so, uh, ये हम जो वर्ड होता है नाउन हमें दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग चूज करते हैं कि हमें कौन सा प्रोनाउन यूज करना है सो चिल्ड्रन आई एम शोइंग यू अ पिक्चर इन दिस पिक्चर वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट प्रोनाउन प्रोनाउन के लिए हम डिस्कस करने के लिए हम ये पिक्चर देख रहे हैं सो आई इज़ यूज टू टॉक अबाउट वन सेल्फ जब पर्सन अपने बारे में बात कर रहा है यू कैन सी तो वो कौन सा प्रोनाउन वर्ड यूज़ करेगा आई जैसे सपोज मैं आई एम रितु माय नेम इज़ रितु तो मैं अपने बारे में बता रही हूँ रितु इज मेकिंग टी रितु इज़ गोइंग टू टेम्पल रितु इज़ हैविंग लंच सो बार बार आ, अपना नाम रिपीट करने से बचने के लिए आई विल से क्या बोलूँगी मैं जैसा कि बोल रही हूँ आई सो so, अपने बारे में बताने के लिए जो प्रोनाउन वर्ड यूज़ करते हैं दैट इज़ आई वो पर्सन अपने बारे में बताने के लिए खुद यूज़ करता है आप आ, आ, आप मुझे आई नहीं कह सकते आप रेफर करेंगे तो कुछ और वर्ड होगा सो so, वो कौन से वर्ड्स होंगे जब हम अपने बारे में बात कर रहे हैं एक से ज़्यादा हैं और उसमें आप भी इंक्लूड है यानी जो पर्सन अपने बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है अपने साथ कोई और के बारे में दे रहा है सो so, वो कौन सा प्रोनाउन यूज़ करेंगे वी वी गो टू द स्कूल डेली यानी वी में आप भी शामिल हैं मैं भी हूँ कोई और भी हो सकता है नेक्स्ट जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को रेफ़र करेगा तो यू बोलेगा जैसे कि मैं आपको रेफ़र कर रही हूँ आर यू मेकिंग पिक्चर क्या आप पिक्चर uh, बना रहे हैं आर यू ड्राॅइंग पिक्चर तो मैं यू रेफर कर रही हूँ और यू uh, सिंगुलर के लिए भी हो सकता है प्ल के लिए अब आप बहुत सारे हैं मैं किसी एक पर्सन को बोलूँगी एक बच्चे को बोलूँगी तो दो भी यू बोलूँगी और एक से ज़्यादा है तो भी यू बोलूँगी अब दे आर ये दोनों आ, किसी की बात कर रहे हैं जो कि मेल नाउन है तो वो उसे रेफर कर रहे हैं शी हेयर यू कैन सी देर आर टू पर्सनस जो कि किसी को रेफर कर रहे हैं और वो है मेल नाउन तो उसके लिए वो ही रेफर करेंगे यानी हम किसी और की बात कर रहे हैं और वो पर्सन है सिंगुलर और मेल नाउन है तो हम उसके लिए ही रेफर करेंगे हम किसी और के पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं और वो पर्सन है सिंगुलर uh, और वो फीमेल नाउन है तो हम उसे शी बोलेंगे एंड जब देखिए यू हेर यू कैन सी ये दोनों पर्सन uh, एक से ज़्यादा लोगों को रेफर कर रहे हैं और उन्हें क्या कह के रेफर किया जा रहा है दे सपोज uh, हम किसी और की बात कर रहे हैं रानी एंड मीता आर माई सिस्टर्स दे आर दे आर ईटिंग पिजा तो मैं रानी और uh, रीता की बात कर रही हूँ किसी और को रेफर कर रही हूँ और वो एक से ज्यादा है तो मैं उन्हें दे रेफर कर रही हूँ सो दे मेल नाउन्स के लिए भी आता है और फीमेल नाउंस के लिए भी आता है एंड वन दे आर ये जो दो पर्सनस हैं द टू पर्सनस आर टॉकिंग अबाउट अ नॉन लिविंग थिंग नॉन लिविंग थिंग एनिमल्स या बर्ड्स इंसेक्ट्स की बात करें तो हमें उन्हें इट कह के रेफर करते हैं कोई नॉन लिविंग थिंग है या कोई एनिमल्स हैं या कोई इंसेक्ट्स हैं बर्ड्स हैं तो हम उन्हें इट कह के रेफर करते हैं सो चिल्ड्रन वी हैव सम एग्जांपल्स थ्रो विच वी कैन अंडरस्टैंड अवर टॉपिक प्रोनाउंस इजीली रानी कैन ड्रॉ एन एरोप्लेन रानी एक एरोप्लेन ड्रॉ कर सकती है सो रानी एज द वर्ड इंडिकेट्स ये फीमेल नाउन है सो रानी फीमेल नाउन है तो फीमेल नाउन के लिए हम क्या प्रोनाउन यूज करेंगे शी शी कैन ड्रॉ एन एरोप्लेन नेक्स्ट राजू वर्क्स इन अ शॉप राजू एक शॉप में काम करता है सो राजू इज अ मेल नाउन सो राजू के लिए हम क्या प्रोनाउन यूज करेंगे ही ही वर्क्स इन अ शॉप नेक्स्ट रवि मोहन एंड आई अ मूवी येस्टरडे रवि मोहन और मैंने एक मूवी देखी कल यानी जो कल बीत गया है तब हमने मूवी देखी ऐसी मूवी देखी हमने उसमें मैं भी इंक्लूड हूँ आई जब इंक्लूड होता है तो हम क्या लिखेंगे वी और एक से ज़्यादा पर्सन है आई है आई के साथ एक और है या एक से ज़्यादा है तो वर्ड क्या प्रोनाम यूज़ करेंगे वी वी सॉ अ मूवी येस्टरडे नेक्स्ट माई अंकल एंड हिज़ फैमिली आर गोइंग टू टेम्पल मेरे अंकल और उनकी फैमिली टेम्पल जा रहे हैं इसमें मैं इंक्लूड नहीं हूँ आई इज़ नॉट इंक्लूडेड सो हम उन किसी और पर्सन के लिए रेफर कर रहे हैं तो हम क्या प्रोनाउन यूज़ करेंगे दे दे आर गोइंग टू टेम्पल नेक्स्ट द काव इज ईटिंग ग्रास सो आई टोल्ड यू कि जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं एनिमल्स हैं बर्ड्स हैं इंसेक्ट्स हैं उनके लिए हम क्या प्रोनाउन यूज़ करते हैं इट इट इज़ ईटिंग ग्रास सो ये प्रोनाउन है जो हम यूज़ करते हैं सो चिल्ड्रन नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस सो वट आर सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस हाउ कैन बी डिफ्रेंशिएट बिटवीन दीज टू हम कैसे इन्हें पहचान सकते हैं उन्हें कि हमें सेंटेंस में कौन सा प्रोनाउन यूज़ करना है सब जब एक ही सेंटेंस में uh, हम कन्फ्यूज uh, हो सकते हैं कि हमें कौन सा प्रोनाउन यूज करना है जब आपको डिफ्रेंशिएट करना हो दे या दैम में या आई या मी में आ, सो ही और हिम में सो यू कैन गेट कन्फ्यूजन रिगार्डिंग दिस थिंग तो हम इसे डिस्कस कर रहे हैं कि सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या है और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या है सो आ, सब्जेक्ट प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस हैं जो कि कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं किसी भी सेंटेंस में जैसे कि आई गो टू द टेम्पल तो एक्शन किसने परफॉर्म किया आई ने शी गोज टू द टेम्पल एक्शन किसने किया शी ने काम कौन कर रहा है शी ऐसे ही वी आर गोइंग टू द ज़ू हम जू जा, जा रहे हैं तो हम यहाँ पर एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं और ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस वो क्या होते हैं जो किसी एक्शन को रिसीव करते हैं उस एक्शन का रिजल्ट जिस पर पड़ता है वो क्या होते हैं ऑब्जेक्ट प्रोनाउन जैसे कि रोहन इज माई ब्रदर रोहन मेरा भाई है ही गेव मी चॉकलेट रोहन ने मुझे एक चॉकलेट दी सो रोहन इज माई ब्रदर ही गेव मी ही किसके लिए यूज़ हुआ है रोहन के लिए लेकिन उसने मुझे दिया ही गेव मी सो आई नहीं होगा ही गेव आई अगर मैं एक्शन करती तो मेरे लिए आई यूज़ होता लेकिन यहाँ एक्शन का रिजल्ट मुझे पड़ रहा है रोहन एक्शन कर रहा है और रोहन का एक्शन क्या है कि उसने मुझे एक चॉकलेट दिया सो so, रोहन गेव मी आ चॉकलेट सो इस तरह से हम कंक्लूड कर, uh, कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट प्रोनाउन में क्या डिफरेंस है आई एम गिविंग यू सम एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू टेल यू दैट दीज आर प्रोनाउन ये भी नाउन की प्लेस पर आते हैं और ये भी नाउन की प्लेस पर आते हैं सो सब्जेक्ट प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस हैं जो कोई एक्शन करते हैं और जो एक्शन सब्जेक्ट प्रोनाउन करते हैं उसका रिजल्ट जिन प्रोनाउंस पर पड़ता है वो क्या होते हैं ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस सो आई एम गिविंग यू सम एग्जाम्पल्स सो चिल्ड्रन एज आई टोल्ड यू कि जो एक्शन करता है वो होता है सब्जेक्ट प्रोनाउन और जिस एक्शन का रिजल्ट जिस प्रोनाउन पर पड़ेगा वो क्या होगा ऑब्जेक्ट प्रोनाउन सो राज इज़ अ गुड म्यूजिशियन राज एक अच्छा म्यूजिशियन है आई लव लिस्ंग टू हिम यहाँ काम कौन कर रहा है एक्शन कौन कर रहा है मैं और मैं क्या एक्शन कर रही हूँ मैं उसे सुन रही हूँ और किसे सुन रही हूँ या एक्शन का रिजल्ट किस पर पड़ रहा है मेरे एक्शन का रिजल्ट क्या है हिम हिम किसके लिए बोला गया है राज के लिए सो आई लव लिस्ट टू हिम सो so, यहाँ पर हम ही नहीं यूज़ करेंगे अगर राज एक्शन करता तो हम ही यूज़ करते और इसका प्लेस कुछ और होता बट वी विल यूज़ हिम क्योंकि एक्शन का रिजल्ट जिस पर पड़ रहा है वो क्या होगा ही से हिम हो जाएगा नेक्स्ट निशा प्लीज हेल्प मी समन इज़ कॉलिंग निशा निशा uh, मेरी मदद करो प्लीज़ सो so, निशा को बुलाया जा रहा है और uh, वो काम कौन कर रहा है एक्शन कौन कर रहा है मदद करने का हेल्प करने का निशा निशा को करना है और निशा किसके लिए एक्शन कर रही है एक्शन का रिजल्ट आ, किस पर पड़ रहा है या एक्शन कौन रिसीव कर रहा है मी सो so, निशा प्लीज़ हेल्प मी यहाँ ऐसा नहीं होगा निशा प्लीज़ हेल्प आई ऐसा नहीं होगा यू यूर सेल्फ कैन कंक्लूड आप खुद भी कॉमन जैसे हम डिस्कस करते हैं कंक्लूड कर सकते हैं कि क्या सुटेबल प्रोनाउन हम यूज़ करेंगे रानी इज़ माय फ्रेंड रानी मेरी फ्रेंड है आई विल गो टू हर हाउस मैं उसके घर जाऊंगी। सो एक्शन कौन करेगा मैं और मेरा एक्शन क्या होगा कि मैं जाऊंगी और एक्शन uh, का जो रिज़ल्ट है वो किस पर पड़ेगा हर सो so, uh, जो एक्शन रिसीव करेगा वो कौन होगा हर सो so, इसलिए यहाँ पर आई विल गो टू शी हाउस नहीं आएगा हालांकि बात uh, किसकी कर रहे हैं रानी की जाना कहाँ है रानी के घर सो रानी इज़ माई फ्रेंड आई विल गो टू हर हाउस नेक्स्ट अवर टीचर गेवस बुक्स हमारी टीचर ने हमें बुक्स दी सो so, अवर क्या है हमारी टीचर ने हमें बुक्स दिया एस की जगह वी नहीं आएगा अस ही आएगा क्योंकि एक्शन कौन कर रहे हैं हमारे टीचर और एक्शन को रिसीव कौन कर रहे हैं हम टीचर का एक्शन क्या है बुक्स देना और एक्शन रिसीव कौन कर रहे हैं हम सो so, हम यहाँ वी यूज़ नहीं करेंगे हम यहाँ अस यूज़ करेंगे आवर टीचर अस बुक्स नेक्स्ट मदर कुक अ डिलीशियस डिश फॉर मी मम्मी ने मेरे लिए एक डिलीशियस टेस्टी डिश कुक की या बनाई सो so, एक्शन किसने किया मदर ने और उनका एक्शन है उन्होंने डिश बनाई और एक्शन को रिसीव किसने किया मैंने और रिसीव जब मैंने किया तो मैं किस कैटेगरी uh, में होंगी ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में सो आई यू नहीं होगा ऐसा नहीं होगा कि मदर कुलिशियस डिश फॉर आई ऐसा नहीं होगा ये गलत हो जाएगा सो so, इंस्टेंट क्या यूज होगा मदर कुलिशियस डिश फॉर मी सो एक्शन किसने रिसीव किया मैंने सो देट वॉज अबाउट अवर टॉपिक प्रोनाउ नाउ नेक्स्ट टॉपिक सो चिल्ड्रन अवर नेक्स्ट टॉपिक इज एडजेक्टिव आर एडजटिव

एड्जैक्टिव डिस्क्राइब अ नाउन वो किसी नाउन को डिस्क्राइब करते हैं एंड हाउ डू दे डिस्क्राइब वो किस तरह से डिस्क्राइब करते हैं वो नाउन के बारे में किस तरह से बताते हैं सो दे टेलर्स अबाउट द कलर शेप साइज एंड नंबर ऑफ द नाउन वो हमें बताते हैं कि नाउन का कलर क्या है शेप क्या है साइज क्या है नंबर क्या है यानी वो नाउन को डिस्क्राइब करते हैं इसी तरह से एग्जाम्पल ग्रीन यूनिफॉर्म सो यूनिफॉर्म इज नाउन यूनिफॉर्म कैसी है ग्रीन है रेड है ब्लू है वाइट है ब्लैक है सो so, ये यूनिफॉर्म को डिस्क्राइब हो रहा है लिटिल बॉय बॉय जो है कि लिटिल uh, है और uh, या वो टॉल uh, है इस तरह से वो बॉय uh, को जो नाउन है उसे डिस्क्राइब कर रहा है टेबल राउंड टेबल टेबल क्या है थिंग है और uh, वो जो उसका शेप है वो बताया जा रहा है राउंड है रेक्टेंगुलर है या स्क्वायर है सो so ये इसके शेप uh, के बारे में बता रहा है ट्रीज क्या है नाउन uh, है और ट्रीज की काउंटिंग के बारे में बताया गया है फोर ट्रीज टू ट्रीज भी हो सकते हैं टू चॉकलेट्स हो सकती हैं uh, इस तरह से बताया जा सकता है नाउन के बारे में डिस्क्राइब करते हैं एडजेक्टिव वर्ड्स नाउन को डिस्क्राइब करते हैं सो नेक्स्ट वी यूज एडजेक्टिव्स टू कंपेयर टू थिंग्स हम एडजेक्टिव वर्ड यूज करते हैं दो चीज़ों को कंपेयर करने के लिए वो दो चीज़ें कौन सी होती हैं नाउन होती हैं सो वी यूज ई आर फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव एंड द वर्ड देन टू कंपेयर हम ई आर यू फॉर्म यूज़ करते हैं और साथ में टी एच एन देन वर्ड यूज करते हैं कंपेयर करने के लिए हेयर वी कैन डिस्कस इट्स थोरोली थ्रू दिस एग्जाम्पल शिमला इज कूलर देन दिल्ली सो शिमला और दिल्ली क्या है नाउन्स हैं प्रॉपर नाउंस हैं इन्हें कंपेयर किया गया है कैसे इनके क्लाइमेट के अकॉर्डिंग शिमला इज कूलर देन दिल्ली सो हमने जो कूल cool थी जो एज वी नो कि शिमला ठंडा है क्योंकि वो हाई अल्टीट्यूड पर है सो so, कूल cool के साथ हमने ई आर फॉर्म लगाया एंड देन भी लगाया ताकि कंपेयर कर सके शिमला इज कूलर देन डेली नेक्स्ट अ बस इज फास्टर देन अ बाईसाइकल एक बस है वो फास्ट चलती है बाइसिकल से ये हमें पता है सो अबस इज फास्टर देन अ बाइसिकल सो हमने ई आर फॉर्म यूज किया और देन लगाया बस और बाइसिकल दोनों क्या है नाउंस टू नाउंस को कंपेयर करने के लिए टू uh, हमें ई आर फॉर्म प्लस देन यूज करना होता है हम ऐसे कह सकते हैं दिस बॉय इज टॉलर देन दैट बॉय ये बॉय उस बॉय से टॉलर है इस तरह से हम कंपेयर uh, कर सकते हैं वाई मेकिंग ई आर फॉर्म्स वी समाइम्स डबल द फाइनल लेटर ऑफ द एडजेक्टिव यानी एडजेक्टिव वर्ड है उसका जो फाइनल लेटर है हम उसे डबल कर देते हैं आ, कई बार ऐसा होता है सो so, सिंपली आप देख सकते हैं बिग हमने जब ई आर फॉर्म बनाया तो बिगर हो गया हॉट हॉटर फैट फैटर सो इसके लिए आ, हम आ, कभी ये रूल अप्लाई करते हैं कि जो वॉवल होता है और दोनों साइड में दो फर्स्ट और थर्ड जो लेटर्स uh, होते हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं और वोवल होता है मिडल में तो हम uh, जो लास्ट लेटर uh, है उसे रिपीट कर देते हैं डबल कर देते हैं लाइक बिग बिगर हॉट हॉटर फैट फैटर हमने देखा कि टी को हमने रिपीट किया यहाँ भी टी को किया यहाँ जी को किया सो दट वॉज अबाउट एडजेक्टिव्स एड्जेक्टिव नाउन को डिस्क्राइब करते हैं और वो नाउन के शेप कलर साइज या नंबर के बारे में बताते हैं इस तरह से वो डिस्क्राइब करते हैं द नेक्स्ट थिंग इज वी यूज़ ई आर फॉर्म और दैन यूज़ करते हैं टू थिंग्स को टू नाउंस को कंपेयर करने के लिए द नेक्स्ट थिंग इज़ कि हम कुछ लेटर्स को डबल करते हैं जब हम ई आर फॉर्म बना रहे होते हैं

ये हमें कैसे पता चलता है जब हम उस वर्ड को देखते हैं कि नाउन ने क्या काम किया क्या एक्शन किया सो वर्ब्स शो एक्शन सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड एक्शन वर्ड्स और डूइंग वर्ड्स सो वर्ब्स एक्शन शो करती हैं और वर्ब्स ये भी बताती हैं कि एक्शन कब हुआ अभी चल रहा है या बीत गए समय में हुआ है या आने वाले समय में होगा सो वर्ब्स एक्शन शो करती हैं सो दीज आर कॉल्ड एक्शन वर्ड्स और डूइंग वर्ड्स इनको डूइंग वर्ड्स कहते हैं या एक्शन वर्ड भी कह सकते हैं ये उनका आ, अलग नाम है सो एग्ज़ाम्पल आई वॉन्ट टू डिस्कस इट थोरोली विद एग्जाम्पल्स द फर्स्ट एग्जाम्पल इज ग्रैंड मदर टेल्स स्टोरीज ग्रैंड मदर हैं दादी जी वो हमें स्टोरी सुनाते हैं सो so, यहाँ पर एक्शन कौन कर रहे हैं ग्रैंड मदर और वो क्या एक्शन कर रहे हैं वो स्टोरी सुना रहे हैं सो द टेल्स जो ये वर्ड टेल्स है वो क्या है एक्शन शो कर रहा है और टेल्स का अर्थ है कि वो यूजली सुनाते हैं ये एक्शन चलता रहता है नेक्स्ट आई राइट विद द पेंसिल मैं पेंसिल से लिखता हूँ या मैं पेंसिल से लिखती हूँ सो so, काम कौन कर रहा है एक्शन कौन कर रहा है आई आई कौन है प्रोनाउन जो कि मैंने अपने लिए यूज़ किया है आ, अपने नेम की प्लेस पर यूज़ किया है प्रोनाउन आई राइट विद द पेंसिल मैं पेंसिल से लिखती हूँ तो एक्शन क्या है मेरा लिखना लिखना एक्शन है और एक्शन के लिए क्या है वर्ड जो दिया गया है राइट सो राइट क्या है वर्क दे गो टू द स्कूल डेली वो स्कूल हर रोज जाते हैं सो यहाँ एक्शन कौन कर रहे हैं वो दे है आ, और दे क्या है प्रोनाउन है जो कि एक से ज़्यादा लोगों के लिए जिन्हें हम रेफर कर रहे हैं उनके लिए यूज़ हुआ है सो दे गो टू द स्कूल डेली उनका एक्शन क्या है स्कूल जाना नेक्स्ट माई ब्रदर प्लेज अ गिटार मेरा भाई गिटार बजाता है चलाता है सो so एक्शन कौन कर रहा है मेरा ब्रदर और ब्रदर का एक्शन क्या है कि वो गिटार बजाता है सो प्लेज यहाँ पर क्या है एक्शन वर्ड नेक्स्ट द शिप्स सेल ऑन द सी जो जहाज हैं वो समुद्र में चलते हैं तैरते हैं सो so यहाँ पर एक्शन कौन कर रहे हैं शिप्स शिप्स क्या है वो ना तो पर्सन है ना वो एनिमल है वो थिंग है सो so शिप्स का एक्शन क्या है सेल करना जो कि वो सी पर करते हैं सो so, सेल क्या है जो वर्ब है जो एक्शन शो कर रही हैं कि शिप ने क्या एक्शन किया है या क्या एक्शन करती हैं सो सिंपली हमें पता चला है कि जो एक्शन वर्ड्स हैं या वर्ब्स हैं या डूइंग वर्ड्स हैं वो हमें बताते हैं कि क्या काम किया जा रहा है या काम आ, कौन कर रहा है जो नाउन कर रहा है या प्रोनाउन कर रहा है सो so, ये हमें कैसे पता चलता है कि उन्होंने क्या एक्शन किया है या क्या कर रहे हैं वो हमें एक्शन वर्ड से पता चलता है सो द नेक्स्ट टॉपिक इज एन द लास्ट टॉपिक इज जो कि हमने बिफोर पी टी थ्री डिस्कस किया था हेल्पिंग वर्ब्स सो चिल्ड्रन द नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक दैट वी डिड बिफोर आवर पी टी थ्री एग्जाम्स वॉज हेल्पिंग वर्ब्स सो हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं लेटेस्ट डिस्कस सो वट आर हेल्पिंग वर्ब्स वर्ड्स दैट आर यूज विद द मेन वर्ब टू हेल्प गिव द सेंटेंस मोर मीनिंग यानि जो वर्ड्स मेन वर्ब के साथ यूज़ किए जाते हैं सेंटेंस को और ज़्यादा क्लियरली एक्सप्लेन करने के लिए समझाने के लिए या मीनिंगफुल बनाने के लिए वो हेल्पिंग वर्ब्स कहलाते हैं यानी ये हेल्पिंग हैंड है किसके लिए मेन वर्ब्स के लिए सो चिल्ड्रन हेल्पिंग वर्ब हेल्प द मेन वर्ब टू डिस्क्राइब एन एक्शन हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की हेल्प करते हैं किसी एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए दे ऑल्सो टेल इफ द एक्शन इज इन द पास्ट और प्रेजेंट वो ये हेल्पिंग वर्ब ये भी हमें क्लियर करते हैं समझाते हैं कि एक्शन अभी हो रहा है या बीत गए समय में हो चुका है ये हमें कैसे पता चलेगा हेल्पिंग वर्ब से ही पता चलेगा कि एक्शन अभी चल रहा है या यूजली होता है या बीत गए समय में हो चुका है या आने वाले समय में होगा सो सम एग्जाम्पल्स ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स आर एम इज आर वॉज वर हैव हैज डू डस सो इन दिस चैप्टर वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट इज एम आर एंड वॉज वर हम ये फाइव हेल्पिंग वर्ब्स डिस्कस करेंगे सो हेयर इज एन एग्जाम्पल रिगार्डिंग टू द हेल्पिंग वर्ब इज एंड अनदर वन इज अबाउट वॉज सो शी इज गोइंग टू स्कूल वह स्कूल जा रही है इट मीन्स ये एक्शन अभी हो रहा है ही वॉज प्लेइंग चेस वो चेस खेल रहा था सो हेयर यू कैन सी की हेल्पिंग बर्ब से ही में पता चला कि एक्शन पास्ट का है क्योंकि तो यहाँ पर वॉज यूज हुआ है सो चिल्ड्रन देयर आर ट्वेंटी सेवन हेल्पिंग बर्ब्स कंसिडर्ड इन ऑल बट इन अवर चैप्टर वी आर डिस्कसिंग ओनली फाइव ऑफ देम सिंग हेल्पिंग वर्ब्स इज एम आर एंड वॉज वर सो देल्पिंग वर्ब्स इज एम आर आर यूज विद द मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब इज एम आर ये मेन वर्ब के साथ यूज होती हैं टू शो एक्शन दैट आर हैपनिंग इन प्रेजेंट टाइम उन एक्शन को शो करने के लिए जो अभी हो रहे हैं सो so ये मेन वर्ब के साथ यूज होती हैं हेयर एग्जाम्पल इज आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग सो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या यूज हुई है एम और इसका मतलब है कि मैं गाना गा रही हूँ सो मेन वर्ब क्या है सिंग और इसके साथ हम आई एन जी यूज़ करते हैं सो आई एम सिंगिंग अ सोंग ही इज़ ड्राइविंग अ कार वह कार ड्राइव कर रहा है सो एज आई टोल यू कि ये प्रेजेंट टाइम में चल रहे एक्शन को शो करने के लिए हमें बताती हैं हेल्पिंग वर्ब्स इज एम आर सो यहाँ पर ही के साथ इज यूज हुआ है ही जो है प्रोनाउन है ये पर्सन जो जो ही है वो एक्शन कर रहा है और उसका एक्शन क्या है वो कार ड्राइव कर रहा है नेक्स्ट राज एंड मीरा आर गोइंग टू द मार्केट राज और मीरा मार्केट जा रहे हैं सो so, ये मोर देन वन है और ये क्या कहे जाएंगे ये क्या है नाउंस हैं प्रॉपर नाउंस हैं वो दोनों मार्केट जा रहे हैं तो उनका एक्शन क्या है मार्केट जाना और वो हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ करेंगे जो मेन वर्ब है गो गो के साथ आई एन जी यूज़ किया है और आर हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे क्योंकि ज़्यादा है एक से ज़्यादा तो हम आर यूज़ करते हैं आई के साथ हमेशा एम हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा ही शी इट दे के साथ इज uh, यूज़ होगा सो यूज़ एम विद आई हमें आई के साथ एम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है उस सेक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए जो प्रेजेंट समय में हो रहा है यूज़ इज़ विथ ही शी इट हमें इस हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करना है ही शी या इट के साथ उस एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए जो प्रेजेंट समय में हो रहा है लाइक इट इज़ रेनिंग बारिश हो रही है सो so, इट के साथ हमने क्या यूज़ किया एक्शन हेल्पिंग वर्ब इज़ ही इज़ ड्राइविंग आकार शी इज सिंगिंग नेक्स्ट यूज़ एम विथ वी यू दे हम सॉरी यूज आर विथ वी यू दे हमने वी यू दे के साथ आर हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है उन एक्शंस को डिस्क्राइब करने के लिए जो प्रेजेंट समय में हो रहे हैं जो चल रहे हैं एक्शन सो वी आर वी आर ईटिंग पिज्ज़ा यू आर नॉट गोइंग देयर, दे आर कमिंग हेयर सो इस तरह से हम एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए जो प्रेजेंट समय में होते हैं वी यू दे के साथ आर यूज़ करते हैं सो चिल्ड्रन वी यूज हेल्पिंग वर्ब्स वॉज वर विद द मेन वर्ब टू डिस्क्राइब द एक्शन दैट हैपन इन द पास्ट हम हेल्पिंग वर्ब वॉज और वर्क अब यूज करते हैं मेन वर्ब के साथ उन एक्शंस को डिस्क्राइब करने के लिए उन काम को डिस्क्राइब करने के लिए जो बीत गए समय में हो चुके हैं सो so, इसके लिए हम हेल्पिंग वर्ब वॉज वर यूज करते हैं मेन वर्ब के साथ और हम आई एन जी यूज एड करते हैं मेन वर्ब के साथ सो वी हैव टू रिमेम्बर दैट वॉस uh, हमें यूज करना है आई ही शी इट के साथ और हमें वर यूज़ करना है यू दे वी के साथ सो एग्जाम्पल्स आर बिफोर एस दे वर डांसिंग वो डांस कर रहे थे सो हेल्पिंग बर्ब यहाँ पर क्या है वर और वो हमने दे के साथ यूज़ की है और डांस है मेन वर्ब उसके साथ हमने आई एन जी एड किया है सो वी वर हैविंग पिज्जा इन द ब्रेकफास्ट येस्टरडे हम पिज्जा खा रहे थे ब्रेकफास्ट में कल यानी जो कल बीत गया है सो so, वी के साथ हम फॉर वर हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे और जो हमने मेन uh, वर्ब थी हमारी हैव उसके साथ आईएनजी ऐड किया सो यू वर गोइंग टू द पार्क इन द मॉर्निंग आप मॉर्निंग में पार्क जा रहे थे यू के साथ वर हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है आई वॉज सिंगिंग मैं गाना गा रही थी राज राजवास पेंटिंग अ पिक्चर राज एक पिक्चर पेंट कर रहा था सो इन हेल्पिंग वर्ब की मदद से हमें पता चलता है कि एक्शन कब हुआ है अभी चल रहा है या बीत गए समय में हुआ है सो so, इसीलिए हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं ताकि हम uh, जो एक्शन है जो सेंटेंस है उसको क्लियरली समझ पाए और भी ज़्यादा बेटर तरीके से उसका हमें टाइमिंग पता चल जाए सो दैट वॉज़ अबाउट द रिविजन ऑफ सर्टन टॉपिक्स दैट वी हैड डन और डिस्कस्ड बिफोर अवर पी टी थ्री एग्जाम्स सो आई एम श्योर कि आपको इसे कंसेप्ट समझने में हेल्प मिलेगी मैंने यहाँ पर जो भी वीडियो जो भी टॉपिक्स कवर किए हैं इस वीडियो में मैंने क्विकली इन्हें रिवाइज किया है हमने डिटेल में तो जब हम क्लास में डिस्कस कर रहे थे उनमें किया है उन वीडियोस में बट यहाँ पर हमने रिकॉल करने के लिए क्विकली इन्हें रिवाइज करवाया है सो आई एम श्योर ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा सो बाय बाय चिल्ड्रन टेक केयर